ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयिरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सबसाहूत। नमः समय साराय स्वानुभूत्याजगास्ते चेस्वावाय वावाय सर्ववावांतरचरे। देव धर्म गुरु श्रद्धा करके वेद विज्ञान चित्त में धर के तत्व विचार करो, स्वानुभव से सफल करो पुरुषार्थ। देव धर्म गुरु श्रद्धा करके, देव धर्म और गुरु, देव सास गुरु है ना, श्रद्धा करके वेद विज्ञान चित्त में धर के तत्व विचार करो, स्वानुभव से सफल करो पुरुषार्थ। बाकी सब तो सब क्लियर है। इसमें देव गुरु धर्म श्रद्धा करके और वेद विज्ञान चित्त में धर के इसकी चर्चा करें। देव की श्रद्धा ये नहीं है कि देव सच्चे, क्या कह रहे, देव सच्चे हैं इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। देव सच्चे हैं तो उन्हें ये कहा कि तू भगवान है, ये श्रद्धा कर। देव की श्रद्धा इसीलिए कराई जाती है कि उनकी बात तुझे सही लगे। क्या कहा, देव की चर्चा क्यों की जाती है? तुम कह रहे हमें देव की श्रद्धा है और उनकी बातों की श्रद्धा नहीं है। मैं भगवान बनने के लिए ही जन्मा हूं, इस श्रद्धा का नाम है देव की श्रद्धा। समझ गए? देव के बारे में आपने बहुत पढ़ोगे तो आगम से पढ़ लोगे, वो हम अभी चर्चा नहीं लेंगे। पुरुषार्थ की चर्चा है ना, इसलिए निमित्त की बात नहीं करेंगे इस समय। निमित्त की चर्चा आगे भी कह रहे हैं, निमित्त आदि भी स्वयं मिलेंगे। सच्चे देव कैसे होते हैं? वीतरागी सर्वज्ञतोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञता, ये उनके प्रमाण के लिए है। हितोपदेशी, उन्होंने मूल 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 भगवान बनने के लिए, भगवान हूं ये अनुभव कराने के लिए बातें कही थी। सच में जिनका आसन्न भव्य नहीं होते वे औपचारिक बातों को पकड़ लेते हैं, भेदों को पकड़ लेते हैं, प्रभेदों को पकड़ लेते हैं, अत्यंत स्थूल पकड़ लेते हैं। हम सच्चे जैन है, पूछ लो कोई से भी, क्यों पानी छान के पीते? ठीक है पानी छान के पीते हो, लेकिन भगवान का मूल मार्ग तो भगवान बनने के लिए है।
जिस दिन तुम्हें लगे मैं भगवान बन सकता हूँ, मेरे में भगवान बनने का स्वभाव है, भगवान बनने की शक्ति है, उसी दिन तुम समझना तुम्हें देव की श्रद्धा है। एक ठंडी सी सांस चलती है, ठंडी सी सांस हो मोह राग द्वेष तो मिटाओ जब जाने, इसका मतलब है तुझे देव की श्रद्धा नहीं कि मैं मोह राग द्वेष को मिटा सकता हूँ। मोह राग द्वेष को मिटाना ऐसे ही नहीं है, आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य पालोगे तो पता लग जाए, ये सब देव की श्रद्धा वाले नहीं है। देव की श्रद्धा करने वाले के तो ब्रह्मचर्य में क्या है, बाया का खेल है। मोह राग द्वेष भी क्या कर लेंगे, हमारा सत्ता तो देखो, बिल्कुल ऐसी बात समझ लो, आत्मा कोई ऐसी अद्भुत चीज है जैसे कोई भीषण अग्नि, और वो भीषण अग्नि से डर रही, ओ पानी की एक बूंद मुझे बुझा देगी, भीषण अग्नि दावानल वो एक लकड़ी मुझे बुझा देगी, ये डर लग रहा हमें डर, एक लकड़ी बुझा देगी। माने मूल श्रद्धा जी है, श्रद्धा की बात चल रही है, श्रद्धा करके देव गुरु धर्म की श्रद्धा करो, देव धर्मो गुरु। अब जहां जैसा योग्य वहां लगा लेना, चारों नियम लगा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मूल में तो भगवान बनना कहा है, हमें नहीं मालूम। अब जहां जैसे जरूर पड़े वहां लगा ना, क्यों पानी क्यों नहीं छानते, तुम्हें देव की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ये बात तो देव ने कही थी, पानी में जी पाए जाते हैं, तो तुम्हें श्रद्धा नहीं। अब सब जगह लगा लेना, तो क्यों रात को क्यों खाते हो जैन होकर के, तुम्हें देव की श्रद्धा नहीं। ये हम तो बहुत अच्छे जीवों की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे जो मुमुक्षु भी हों, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, रात्रि भोजन भी नहीं करते, चलो अनछना पानी भी नहीं पीते, अवक्ष भी नहीं खाते, इतने अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं। आसन भव्य नहीं होंगे तो पठन में अटक जाएंगे, गुण भेद में अटक जाएंगे, पर्याय भेद में अटक जाएंगे, चार अनियोग हमें इतने याद हैं शब्दों में अटक जाएंगे, क्रियाओं में अटक जाएंगे। हम ये नेगेटिव नहीं बताना चाह रहे, हमें नहीं पता, हम तो पॉजिटिव बता रहे। वे देव की श्रद्धा, इसका नाम ये है कि तुझे भेद में आनंद नहीं आता, अभेद में आनंद आता, ये देव की श्रद्धा है। शिवसम बढ़े या ना बढ़े इसकी तुझे चिंता नहीं है, लेकिन ज्ञान मात्र तू है इसका अनुभव कर रहा है। शिवसम हो नहीं हो, रटे ना रटे, पढ़े ना पढ़े, याद रहे ना रहे, बोल ही ना पाए, कोई बात नहीं। जैसे हम भौतिक संपत्ति के बारे में कहते हैं ना, रहे चाहे अभी जाए, ऐसे हमारे शिवसम रहे चाहे अभी जाए। कई बार लोग ऐसा होता है, जैसे मान लो बुजुर्ग हो जाएंगे, और बुजुर्ग हो जाएंगे, अब तुम पूछोगे क्यों जी कौन सी गाता है, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, हम क्या हमें नहीं मालूम, शायद वो शायद से दी पाएगी, ओ गए। अरे तो इसमें याददाश्त की कमी हुई, मैं आत्मा हूं इसमें कहां कमी हुई। कोई पूछे इस कौन से नए का वाक्य है, हम ना बता पाए नए का वाक्य, लेकिन आत्मा हूं ये तो है ना। वो अलका वाली जो चर्चा है, उस चर्चा में तो फिर क्रोध किसने किया, तो सबसे छोटा बच्चा बोला हमें नहीं मालूम, हमने तो नहीं करूं। मैं तो आत्मा हूं। क्रोध किसने किया हमें नहीं मालूम, पर बड़े बच्चे ने कहा बच्चू ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, क्रोध की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। मैंने फिर पूरा खुलासा किया, अच्छी चर्चा। मैंने बच्चे ने इतना तो पकड़ ही लिया, मैं आत्मा हूं, मैं ऐसा करता नहीं हूं। अब बड़े बच्चे ने कहा नहीं ऐसा नहीं, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। कितनी अच्छी चर्चा है। फिर आदमी में वो एक बच्चा पूछता है तुझे होता ही कहा है, ये मोह उत्पन्न होता ही क्यों है, ये क्रोध उत्पन्न होता ही क्यों है। पर माँ ने समझाया बेटा तस समय की योग्यता, सामने वाले का कर्म का उदय, और तुझे कर्मबंध की योग्यता होगी तो होगा, एक साथ होगी होगा तो होगी, अब क्या करो। तो फिर कर्म बंध से डरेंगे नहीं डरे, हाँ डरो मत, भगवान इस सच में जैन समाज की सेवा कहीं नहीं मिलेगी,
कि इतने भयंकर कर्म बंद होने पर भी, उदय होने पर भी मत डर, हो गया हो जाने कोई बात नहीं, तू भगवान है। तो ये है देव की श्रद्धा, देव की श्रद्धा। कर्मों से डराना, ये डरना ये देव की श्रद्धा नहीं है। हो गए हो गए, अब वो हो गए, अब हम क्या करें। एक समय के लिए भी भूतकाल की पर्याय के लिए मत रो। भूतकाल में अनंत पाप हुए, बीतते बुरे नहीं थे, तो वर्तमान में उन्हें देख देख के रोता है, जी बहुत बुरा है। क्या कहा? हाँ भी बुरे नहीं, हो ही गए, तो हो ही गए, उन्हें कहाँ कर सकते, कौन बदल सकता उन्हें, कोई गलती थोड़ी सुधार सकते हैं भूतकाल की। लेकिन वर्तमान में तू उसे देख देख के रोता है, ये भयंकर गलती है। कर सम्यक पुरुषार्थ, अभी तू वर्तमान पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी गलती है। अग्नि लग जाने पर कोई गलती, चाहे किसी गलती हो, पप्पू की गलती से भाई, मम्मी की गलती से भाई, तुम्हारी गलती से भाई, कोई की गलती से भाई, आग लग गई, अब काय किनारे बैठ जाए काय। तुमसे कितनी बार कही गैस का सिलेंडर खुल्ला मत छोड़ियो, तुमसे कितनी बार कही थी, चूहा खा गए, वो चूहा खा गए पाए, देखत नहीं है तुमने, अरे ये कितनी कितनी देर तक लड़ाई झगड़ा करें, बोला सही बताओ। घर में आग लगने पर एक समय भी नहीं खोता आदमी, कृपया दो चांटे तुम्हारे अंदर जाए, मोड़ाए जही ने आग लगाई, जाने पेट्रोल छिड़क दो। अबे कश्मीर में देखो पहले तो, यह जैन शासन देव की श्रद्धा। क्या देव की श्रद्धा? अनंत काल पाप में गुजर गए, चिंता मत कर, वर्तमान में भगवान हुए देव। तुमने पहले भी धोखा दिया, पहले हमें पहले भी नहीं पढ़ाया, पहले भी नहीं लिखाया, तुम हमें पहले काय नहीं मिले, हम पहले तुमसे काय नहीं मिले। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पहले मिल जाते तो हम शादी नहीं करते। हम क्या शादी हो गई तो क्या होगा, शादी तो भूतकाल में भाई, अब आए तो बदल नहीं सकते। अब भगवान देख लो क्या कह रहे हैं, अब पहले देख लेता, अभी देख ले, भविष्य में देख ले, देख। देव की श्रद्धा और ठीक है, देव की श्रद्धा और सब है, लेकिन ये पहले श्रद्धा का आ गया जाए, इधर चटाई नहीं, चटाई पे जा। देखे ना नहीं ऐसे थोड़े सर गया, हाँ कोई थोड़े से बाहर अच्छा सेट हो गया, ऐसे आप ऐसे थोड़ा बाहर गया, अब दिखाई दिया अच्छे। ओम, समझ में आ रही बात। तो देव की सच्ची श्रद्धा तो ये है, देव ने कहा है, ध्यान रखना, जिन मानी द्वादशांग केवल भगवान बनने के लिए समर्पित है, अब वो मूल खाई गए, नहीं भगवान ने कही ये नरकों का वर्णन, हम नरकों का पूरा वर्णन पढ़ेंगे, कितने योजन लंबा चौड़ा, कितो गड्ढा, कितने बिल, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन भगवान बन में गई थी वो तो। क्या कैसे कैसे इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, अब होते हैं अपने अपने, किसी को गणित का, किसी को फिजिक्स का, किसी को केमिस्ट्री का, सबको अपनी अपनी रुचि होती है, जिन आगम में भी सब कुछ है, लेकिन एक चीज के लिए सब है। बताओ विवाह में बर ही मुख्य नहीं करो, बाकी सब मुख्य करो, बैंड बाजे पे ध्यान देते रहो। बैंड बाजे पे ध्यान देते रहे, कई लोग ऐसे होते हैं, शादी की तैयारी हो गई, क्या हो गई, क्या तैयारी कर ली, हमने एक लिस्ट बना ली कौन कौन से गाने बजाएगा वो, पर भूल जाते हैं एंड टाइम। हम उसे कहते जाएंगे भाई जी वाला गाओ, जी बजाओ जा पे नाचेंगे। क्या कहते जी, जी तैयारी थोड़ी की जाती है। हाँ हाँ, बर का मतलब होता है उत्तम, तीन लोक में उत्तम आत्मा, द्वादश अंग का सार आत्मा, अब उसे तो छोड़ दिया, अब हम क्रियाकांड करेंगे, हम फला करेंगे, काय काय में लग गया हो, क्रिया करने पे इतने झगड़े। अरे झगड़ा मत करो, जिसकी जितनी योग्यता उतनी क्रिया करेगा, एक लाइन में निपटा दिया हमने, क्या कह रहे हैं हम, जिसमें जितनी योग्यता होगी उतनी करेगा। मादा मत खाओ, मेरे साथ बहुत होता है कि हम पूरे देश में घूमते हैं तो लोग हमसे कहते हैं भाई साहब ये यहाँ प्रक्षाला अच्छे से नहीं करा, तुम बता दियो। मैंने कौन से गांव में जाके नहीं बताएं, ये बताओ, हर गांव में यही बताएं प्रक्षाल कैसे करें, और फिर मानेंगे नहीं फिर झगड़ा होगी, नहीं बस तुम कह दियो घड़ी पहन के नहीं करें, अरे चूल्हे में गई घड़ी। हम क्या करें घड़ी का और क्या क्या होता है जो कलावा अंगूठी फला चैन पर, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
जैसे खान पान का, सच्ची बताएं इतना इतना शॉर्टकट है द्वादशांग, शॉर्टकट द्वादशांग कह रहा हूँ, मूल द्वादशांग, मूल द्वादशांग में ये बातें नहीं जितनी अभी कही जा रही, मूल द्वादशांग में ऐसी हैरान वाली बातें नहीं जो कही जा रही, जो कह रहा हूँ आचार्य ने तो भगवान सर्वज्ञ भगवान ने तो इतनी बात कही है, जिसकी जितनी योग्यता होगी वैसा खाएगा, खाने दो, उससे पहले वेद विज्ञान कराओ, आत्मा बता दी बस दीदी हो जाएगा, धैर्य रखो थोड़ा धैर्य। अब हम क्या कर रहे हैं सर्वज्ञ भगवान ने ये बातें नहीं कही, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं कही, उन्हें ज्ञान तो कराया जीव राशि कहाँ कहाँ होती है, तो ये भी तो ज्ञान कराया कौन से गुणस्थान में छूटती है, हम तो पहले ही गुणस्थान में, टमाटर मत खा लेना, ऐसी कच्ची वाली मत खा लेना, पक्की वाली मत खा लेना, वो वाली मत खा लेना, समझिए लौकी और ककड़ी, अरे पहले अपा जवाब सवाल देते रहो, देखो इसमें लिखा है, इसमें रोम है, इसमें नहीं है, इसमें तोड़ने पर ऐसी टूटती है, नहीं टूटती है, अरे काय के लिए ज्ञान कराया था, किसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए कराई थी, क्यों इसलिए बताया था इसका ज्ञान, मैं नहीं निषेध नहीं कर रहा हूँ, हमारा मतलब है कि इसे मत ला लो, इससे जीव हताश होता है, ईमानदारी से कहें जैन धर्म जन जन का था, जो सुने सो सम्यक दृष्टि हो जाए, और वो इतना फंस गया इन चीज़ों में, वक्ताओं के बाग जाल में, कि अच्छी लोगों को तकलीफ हो रही तो आम पब्लिक की तो क्या करो, मान लो मैं त्याग की बातें करने लगूँ अभी, तो आप डर के मारे पकड़ लिए पंडित जी, अरे बेटा त्याग कर ले जाओ, त्याग कर ले जाओ अब भैया हम नहीं जा रहे, एक दिन पकड़ लो तो बाद में त्याग करा रहा, हमारी बस की नहीं है, तो सब त्याग नहीं कराना चाहिए क्या, बिल्कुल सुन लेना, त्याग नहीं कराना, त्याग होना चाहिए, अंतर क्या पड़ा, त्याग कराना चाहिए और होना चाहिए, उसकी समय है ध्यान रखो, मैं गलत समझता हूँ इसलिए सब गलत समझे ये नहीं, मैं नहीं खाता एलोपैथी, तो मैं जबरदस्ती पीछे पड़ जाऊँ एलोपैथी नहीं खाओ, और फिर इसका उपदेश क्या होता है पता है, एलोपैथी खाने वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो, तुम्हें ये कहाँ से ले आए, मैंने गाय की हत्या मत करो, हमें नहीं मालूम तुम क्या खा रहे, तुम गाय की देखो अपनी महिमा करो, आत्मा की महिमा करो, तुम्हारा काम हो जाए, मैं देव की श्रद्धा में ये कह रहा हूँ, क्योंकि मूल प्रयोजन की बात करेंगे ना भगवान, ये बातें क्यों करेंगे, क्यों भगवान ने कहा होगा सबसे पहले जैन समाज के विद्वान पूरे देश में जाकर पानी छनवाना सिखाए, तो होगा ही फिर तो पूरे काम में बैठ गया, कहा कि एक उपदेश है, उपदेश दे दे, पानी में जीव होती है भाई, अब जैसे कसाई मिट गई उतना करेगा, मैं क्यों, हाँ टोटा मेरे सामने क्या लिखा है, फिर तो हम तो बड़ा पाप छुड़ा करके छोटा पाप छुड़ाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा, बड़ा पाप छुड़ाने के बाद छोटे पाप की बात है, मिथ्या सबसे बड़ा पाप है समुद्र बराबर, और जितनी अभी ये बातें करी वो एक पानी की बूंद बराबर पाप है, और वे पानी की बूंद बराबर पाप भी यहाँ से हैं, तो शुद्ध आत्मा को जान ले तो उड़ जाए, तब आप जैसे बूंद पड़ती है ना उड़ जाती है, ठंडे तवा पे पानी की बूंद डालो और फिर नीचे से आग लगा दो, बुझ जाएगी उड़ जाएगी, क्या दम है उसमें, ये तो पुराण पढ़ के देखो, पुराण देखो गौर से कितने कितने भयंकर भयंकर बता दिया, और फिर जरा इतनी सी संगति में सुधार दिया उसको, अब ये पढ़ रहे जामवंती वगैरह इनके पूर्व, रुक्मणी के जामवंती के इनके सत्यभामा के पूर्व, भयंकर पाप करा घूम घाम के आए, तो एक जरा सा सत्समागम मिला और वहां से सुधर गए बस समझ आ रही बात, बहुत गजब है, तो देव की श्रद्धा माने देव की श्रद्धा भी इस पर ध्यान देना, बाकी तुम सब करो हमें कोई मतलब, सब करो माने अनाचार की बात नहीं चल रही, एक बात है सुन लो समझ लो, सुधार उसका नाम है कि जो जहाँ खड़ा था वहां से आगे बढ़ जाए, बस खत्म, सुधार इसका नाम है, हम 50 नंबर पे तो 51 पे चले जाएंगे और तुम 1 नंबर पे तो 2 पे आ जाओ, हो गया सुधार, तुम्हारी श्रद्धा करता चुकी थी छूट गई, बहुत बड़ा सुधार है, श्रद्धा से बढ़िया सुधार तो हो ही नहीं सकता, सुबह बताया था दृष्टांत, सुबह दिया था बताओ, स्वीपर बन गया था जो बताओ, उसे शादी छुड़ा सकते थे, सगाई छुड़ा सकते थे,
बताओ नगर निगम की नौकरी छुड़ा सकते 15,000 की? जैसे ही खबर पड़ी मैं तो ये हूँ, इस महिमा के आते से पूरा आचरण बदल गया, जीवन बदल गया। सुबह दे दिया था इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलो। देव धर्म, धर्म और शास्त्र दोनों शब्द आते हैं, देव शास्त्र गुरु, और देव धर्म और गुरु। शास्त्र अर्थात धर्म, क्या कह रहे, शास्त्र अर्थात धर्म, क्योंकि देव की श्रद्धा और शास्त्र की श्रद्धा अलग अलग नहीं, देव और शास्त्र की श्रद्धा अलग नहीं, क्यों? भगवान उनकी वाणी, और वाणी से प्रमाण किया अपन ने अनंत को भी, बिना वाणी के तो प्रमाण नहीं कर सकते। तो वाणी और वो समझ गए, देव तो देव और शास्त्र, जिन वाणी, नाम भी अपन क्या रखा, जिनेन्द्र और जिन वाणी, तो वाणी माने शास्त्र, देव शास्त्र। लेकिन शास्त्र से भी भारी शब्द है धर्म। अब धर्म में थोड़ा है, ये उपचार से धर्म है, उपचार से ही शास्त्र है, और उपचार से ही आगम है। न्याय शास्त्र में इसे आगम नहीं कहा, उपचार से कहा न्याय शास्त्र में। आगम की क्या परिभाषा दी है? आप्त के वचन अनुसार पदार्थ का ज्ञान। अब पदार्थ माने आत्मा का ज्ञान, नव पदार्थ ले लो कोई दिक्कत नहीं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान का नाम आगम है। इसीलिए मुनि भगवंतों को चलता फिरता आगम कहा है, मुनिराजों को चलता फिरता आगम, चलता फिरता आगम। आगम की श्रद्धा करे बिना श्रेणी नहीं बदले थे, यशोधर मुनिराज बोले भी नहीं थे, वर चलता फिरता आगम। यशोधर मुनिराज का धैर्य काय के बल पर रहा हुआ, सोचे तो ये देह में नहीं, ये राजा ने सर्प मेरे ऊपर डाला ही नहीं, क्या क्या श्रद्धा होगी, लाल चीटियों ने मुझे दुख दिया ही नहीं है, फैलाना चाहो तो चाहे तब फैला ले, ये हमने मूल द्रव्य अभी उसे बता दिया। अरे कर्म के उदय के बिना कौन कर सकता है, यदि कर्म का उदय है तो बढ़िया, ये सही पाक नहीं रहा है। क्या बोला, क्या बोला, जल्दी बोल गई, बहुत बढ़िया रहे, श्रेणिक गले में सांप डाल गए, बहुत बढ़िया रहे, यह मतलब सही पाक नजरा, सही पाक माने फल देकर फिरना, सही पाक का मतलब होता है फल देकर, तो बहुत बढ़िया होगा, आज इन्हें मैं चांटो मारता ये तो बहुत ही बढ़िया होगा, सही पाक नजरा हो गई, और हम क्षमता रख रहे तो अभी पाक नजरा हो रही, बंद नहीं कर रहे हम, अभी पाक नजरा हो रही, बंद नहीं कर रहे, कितने हैं धर्म बताओ। अब जो आनंद मुद्रा देखी, आनंद मुद्रा देखी, चलता फिरता आगम, और भाई क्या नमस्कार बब क्यों शास्त्र तो वो भी सुना रही थी, चेलना, चेलना सुना तो रही थी शास्त्र, खूब बता रही थी सब तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आप सब 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 समझा रही थी, वो तब नहीं समझ में आई, तब नहीं समझ में आई, ओहो चलता फिरता आगम, समझ गए, ओहो शास्त्र से भी कहीं अधिक। आप देखना जीवन में एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, ध्यान रखना, ये उपचार से आगम है, और ज्ञानी की परिणति वास्तविक आगम है, ज्ञानी की परिणति आगम है। थोड़ा मैं आगे कहना चाह रहा हूं, मैं इसीलिए आज तक शास्त्र पढ़कर सम्यक दृष्टि नहीं हुए, और ज्ञानी की संगति से सम्यक दृष्टि हुई। देशनल लब्धि में इसलिए लाइव चाहिए, लाइव लाइव लाइव, समझिए मैं लाइव क्या कह रहा हूं, लाइव क्यों, क्योंकि वक्ता के जीवन से सीखने को मिलता है, वचनों से नहीं, अंतर कर रहा हूं। एक काम करो, सही बताओ मां, तुम इतनी दूर कहां हुआ, वहीं से सुन लेती मोबाइल में, वो लाइव सुनने की बात है, मोबाइल से सुनने की बात नहीं है उसमें। आप देख लें, मोबाइल से सुनने पर आपको वो काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो देख लो प्रैक्टिकल है, जानकारी तो मिल जाएगी, जानकारी मिलना अलग बात है। इसीलिए एक समय नजर ध्यान से,
इसलिए प्रतिज्ञा लेना हो तो प्रत्यक्ष गुरु से लो, भगवान के सामने प्रतिज्ञा मत ले, इनसे मत ले। हाँ, गुरु के पास लो, इनसे मत ले। क्यों? जीते बीत रागी हैं, कान नहीं पकड़ेंगे तुम्हारे। और तुम गलती करोगे, क्या करना है? क्यों प्रतिज्ञा कैसी तुम्हारी? तुम टाल नहीं पाओगे, गोल मटोल नहीं कर पाओगे, भुला नहीं पाओगे। इसलिए गुरुओं के निकट रहने से चलता फिरता आगम मिलता है। मैं और आपको एक कदम आगे चलता हूँ, पहले तो उसकी सुन लो, समय सार जी की, बनारसी दास जी, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली, इसे नहीं कहा, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली। हमने पंडित साहब से पूछी, जब हमें लाइन अच्छी नहीं लग रही, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली कि जिनवाणी विराजमान है, आप फैली काय कह रहे यार, हमें तो अच्छी नहीं लग रही, क्या कचरा है क्या फैली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पंडित साहब बोले, तुम समझो पूरी प्रकृति जिनवाणी है, जितने लोगों को भी आज तक बहरा के हुआ है, सांस पढ़ के नहीं हुआ। पंडित साहब ने कही, सांस पढ़ के नहीं हुआ। नीलांजना का निधन देखा, वो बैराग हो गया। तारा टूटता देखा, निधन हो गया। उसकी बूंद शीतलनाथ भगवान को शिलाखंड गलता हुआ देखकर, माने ओले गलते हुए देखकर, ओले गलते हुए देख के, सफेद बाल देख के, जी जी है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसीलिए मुनि संगति में, मुनि संगों में पढ़ाई सेकेंडरी है और संगति फर्स्ट है। पढ़ाई फर्स्ट नहीं है, संगति चौथे काल की बात कर रहा हूं। सास लिखे भी नहीं जाते थे और आठ आठ साल के बालक उनके पास आ जाते थे। वो क्या सीखते होंगे सोचो जरा, क्या पढ़ते होंगे सोचो जरा, बताऊं कुछ। यूं तो देखा जाए, एक विवक्षा साफ साफ है कि सिद्धालय में जितने सिद्ध भगवान है, वे सब द्वादश अंक के ज्ञाता पूर्वक ही सिद्ध होती है। जितने सबको समझ में आ जाएगी, तेरह गुण स्थान होता है बीच में, सबको होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर से देखो, छठे गुणस्थान की तरफ से देखो तो 99% सिद्ध भगवान छठे गुणस्थान तक पढ़ाई नहीं करी, अंगूठे छापते, ये समझ लें। अंगूठे छाप क्यों कह रहा हूँ, जी पढ़ाई लिखाई तो अभी आ गई, अभी उसमें से भी अभी भी तुम क्या समझ रहे हो, एम काम एम ए करने वाले केवल 7% हैं, 7-7। जब आज 7% है तो उस समय क्या हुआ होगा, जब स्कूल कॉलेज नहीं थी। आप जरा कल्पना करो, यदि आपको अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा आगम में केवल ब्राह्मणों और राजाओं के क्षत्रियों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, केवल जंगल में जो आश्रम थे। तीन वर्ण वाले तो पढ़ ही नहीं पाते थे, तीन वर्ण, व्यापारी पढ़ता नहीं था, वो सीखता था व्यापार। वो और होते थे जो सूत्र जाति के, वे सफाई कर वो सीखत थे, जो इनको काम तो बढ़ गया। माने कुछ नहीं पढ़ाई होती थी, कितने से लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था थी सोचो तो। और तब 56,000 मुनिराज का संघ था, आप सोचो पढ़े लिखे कितने रहते होंगे हम। लेकिन मुनि संगति में रह करके, गुरु संगति में रह करके, निर्दोष, ध्यान रखा, निर्दोष, निमित्त का वजन नहीं दे रहे हम, निमित्त का वजन नहीं दे रहे, वो चलता फिरता आगम। कभी देखा तुमने, पढ़ते पढ़ते नहीं सुधरते अपन, और कभी कोई संगति मिलती है और यू टर्न आ जाता है लाइफ में, यू टर्न तो समझिए। भाई साहब बाद ना आपने कही थी स्टेशन पे खड़े खड़े, वो तो जीवन बदल गया। अरे भाई साहब एक दिन आपने कही थी, आप ऐसे खा रहे थे, मैं कुछ भी, मैंने आपके जीवन में संगति से सुधार आता है, सांस पढ़ने से भी उल्टा मत लेना, हम सांस पढ़ने का निषेध नहीं कर रही, अभी तो चलता फिरता आगम है, सांस पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की योग्यता तो पढ़ो। और एक और बात बोलूं आपको, उल्टा मत लेना, मैं तो व्याख्या कर रहा हूँ, उल्टा मत लेना, मैं व्याख्या कर रहा हूँ। जब से शास्त्र पढ़ा है तब से कुतर्क शुरू हो गए, जीवन की सादगी चली गई, जीवन में तर्क बुद्धि आ गई। तर्क पहले समर्पण था, भोलापन था, सरलता थी,
सरलता थी, इतना प्रामाणिक जीवन था। आप पढ़ के देखो, 100 साल पहले, 100 साल पहले इतना प्रामाणिक जीवन हम बता नहीं सकते आपको, जैनों का। गणेश प्रसाद जी, पंडित जी का पढ़ के देखो आप, 100 साल पुराना जीवन कैसा था, कितनी न्यायिकता थी, कितनी प्रामाणिकता थी। अब तो हम पढ़ लिख करके मिलावट करने के नए नए ढंग सीख रहे हैं, मोबाइल में नए नए पाप करने के ढंग सीख रहे हैं। मैंने आज पूरा विश्व थर्रा रहा है, एक लड़का कोई ऐसा दिमाग वाला आ जाए जो पूरा सर्वर को हैक कर दे, आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि पूरा हैक हो जाए सर्वर, तो न बैंक में से पैसे निकाल पाओगे, न रेलवे को टिकट ले पाओगे। एक आदमी मार डालेगा सब, एक आदमी बहुत है मार बेग ला जाए। प्रमाणिकता कहाँ रही पढ़ाई लिखाई में से? ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हंगामा हुआ, हमला हुआ था, वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी ने कराया था, गधे ने नहीं कराया था वो। यदि बहुत शांति से सोचोगे तो 99% अनपढ़ आज भी ईमानदार है और पढ़े लिखों की विश्वास नहीं। थोड़े में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। ऐसे शास्त्र पढ़ करके कुतर्क मत सीखो, जी कहना है। देह सास गुरु की श्रद्धा करो, जब मैं देह नहीं हूं तो इसके पोषण के लिए छल प्रपंच मत कर। छल प्रपंच का मतलब समझ गए? शास्त्र पढ़ करके, दुख तो इस बात का, शास्त्र पढ़ करके। अब मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूँ कितनी बातें सुनी है मैंने, कितनी बात देखी, अपन प्रपंच मत करो। नहीं, भगवान ने इसलिए नहीं कही थी अकल लगाने के लिए, बाकी तो सरल दृष्टांत है सो आप जानते हो। शास्त्र पढ़कर या प्रथमानी पढ़कर ये मत सीखो, पांडवों ने भी तो खेला था। कोई ब्रह्मचर्य लेना चाहता हो तो धर्मात्मा ही लो, उसे कुतर करके कहते, अरे 6000 रानी तीर्थंकरों की, और तीर्थंकरों ने भी तो शादी करी थी। हम एक बात कह रहे, तुम किस दिन कहोगे अपने बच्चों से, बेटा तीर्थंकरों ने शादी करने के बाद भी घर छोड़कर गए थे, तुम कब जा रहे? तीर्थंकरों ने शादी करी से तुम कर लियो। क्या कह रहे? तुम कब कहोगे अपने बच्चों से, बेटा शादी हो गई, अब बहुत दिन हो गए। अब पंडित साहब के पास एक आदमी आया श्रावक, बोले पंडित जी ने समझा ब्याह नहीं करा रहे। तो उन्होंने पूछा क्या क्या बात है, मैंने जो भी बात, तो उन्होंने कहा भाई धर्म हम माने नहीं कर रहे, धर्म करो बुढ़ापे में करियो। उन्होंने क्या कही श्रावक ने, हम धर्म कर लियो, ब्याह कर लो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, बुढ़ापे में कर लियो धर्म। तो पंडित साहब ने कहा एक काम करो, तो तुम आ जाओ, जाए हम शादी कर लेते। तुम आ जाओ भाई, तुम आओ तो बुढ़ापा आएगा। सो यू कहने लगा क्या करें, सुनाई पड़ा तो नहीं है, दिखाई दे रहा है, अर्ध मृतक सम बुढ़ापन। ये छल, छल समझ गए, छल। वे भी तो करते थे, वे भी तो युद्ध करते थे, भरत बाहुबली भी तो लड़ते थे। अरे तुमने जे सीखा था इसमें से? जी समझ में, तो शास्त्र पढ़ गए, कोई बात का मैं बहुत सिखा, मैं बहुत बता सकता हूँ, मैंने जो मेरे अनुभव में इन चीज़ों की, शास्त्र पढ़ करके ही नीचे नीचे क्यों गिरते हो, उसका कारण है। देखो एक बात कहते, मैं आचार्यों की एक मजबूरी बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है मैं मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाता हूँ, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाता हूँ, मेरी मजबूरी है। जैसे जैसे कोई 100 गाली देता था और 50 देने लगा तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, तो तुमने क्या छल ग्रहण कर लिया कि 50 गाली देना है प्रशंसा की बात। अरे वो कहाँ खड़ा था भाई, कौआ का मांस छुड़वा दिया, कौआ का मांस छुड़ा दिया और धर्म मार्ग में आगे बढ़ा दिया। तो तुमने क्या समझ लिया हम भी अब कौआ को मांस नहीं खाएंगे और गैया को खाएंगे? जी जी कहाँ से आ गया, समझ में आ गया ना? एक तर्क छोटा सा बताया, जिन वाणी में से छल ग्रहण मत करो, इसलिए लिखना पड़ा छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण मत करना। भगवान आत्मा तो खाता ही पीता नहीं, हाँ नहीं खाता पीता, सही बात है। अरे मैं तो ज्ञाता का ही ज्ञाता हूँ, बिल्कुल सही बात है। फिर टीवी देख करके मत बोलो,
अरे पंडित तुमने तो कही थी ज्ञाता का ज्ञाता है, मात्र स्वयं का जाना नार, सुबह चला था, हम तो टीवी की ज्ञाता थोड़ी है, हम तो अपने ही जाना नार। तू जाना नार तो अपना ही है, जवाब तो हमें भी पता है, नहीं तू मरे हो क्या कोई व्यक्ति आके तेरी पत्नी को छुए, ओके मैं तो जाना नार का जाना नार, तू क्या करेगा तू छल से टीवी देख रहा है, वो छल से तेरी पत्नी को अपनाए तो क्या करेंगे, बोल बोलो छल से। अभी हजारों पाप बता सकते हैं, तुम्हारे दूध में जहर डाल दे और पियो के ना, है तुम तो जाना नार के जाना नार, तुम तो पीते नहीं हो, दूध में जहर है तो होने दे, वो तो पुतगल में जाएगा वहां तुम क्या कहोगे, बोलो जहां अपने मन का पाप करना होता है वहां तू तर्क जिनवाणी कर लाता है। पंडित साहब से कई होती थी, पंडित साहब के अनुभव बहुत थे, कोई बात हुई तो उन्होंने कहा बेटी ऐसे पाप मत किया कर, तो उस व्यक्ति ने कहा हमको ना अभी त्यागी है, तो पंडित साहब कहा अरे तू त्यागी तो बहुत छोटी चीज है, हम तो कह रहे तू भगवान है, समझ गए कुछ, हम त्यागी नहीं है इसका मतलब क्या है। तो पंडित साहब बोले देखा तुम ही कह रहे हो हम त्यागी नहीं, कोई बात नहीं, हम भगवान कह रहे तो अभी कोई बात नहीं, तो तुम पापी तो नहीं, त्यागी नहीं है कोई बात नहीं, पापी हो क्या, तो एक काम करो तुम अपना परिचय सब जगह दिया करो, मैं तो पापी हूं, दिया करो अपना परिचय से दिया करो, भाई हम त्यागी नहीं है पापी हैं, बोलो बोलोगे क्यों, लिखवाओगे आइडेंटिटी कार्ड में भाई त्यागी नहीं लिखवा पा रहे तो पापी लिखवा, लिखा हम रावण हैं, कहा बताएं अभी पढ़ना में ऐसे ही होता रावण है, लिखो रो दोगे ध्यान से सुनना, पाप होने से कोई संसार सागर में नहीं डूबता, पापों को तर्क से छिपाने वाला निगोज जाता है, क्या बोल गई, पाप करने से कोई नरक में नहीं जाता, अब जी अब पकड़ लो देखो तुम ही तो कह रहे पाप करने से नहीं जाता, एक्चुअली पाप तो उतने ही होते जितनी तुम्हारी योग्यता में, उससे ज्यादा नहीं होते, लेकिन उसे छिपाना अनंतानुबंधी है, और नहीं छिपाने में अनंत ताकत खत्म कर दी अपन ने उसकी, नहीं छिपाने में अनंत ताकत खत्म कर दी, देखा है तुम्हें, तुम्हारे एग्जाम्पल से ही बताऊं तुम्हें समझा अनंतानुबंधी की ताकत, क्यों अभी शब्द से तो नहीं समझ में आई होगी अनंतानुबंधी की ताकत क्या होती है, कहाँ बूंद बराबर कहाँ समझ में नहीं आई होगी, तो हम दृष्टांत दे रहे, तुम्हारे बेटे ने 1500 का नुकसान कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर बैठ गया, कछु हुआ, जुआ खेला हार गया 1500, अब गलती हो गई तो हो गई, वह तो कोई खास बात नहीं, संगति आजकल तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, उसने आते से पापा से बता दिया, तो आपको कितना अच्छा लगता है, शांति कितनी मिलती है, और आपने उसे 100 बार पूछा तो अभी नहीं बताया, पत्नी से पूछवाया तो अभी नहीं बताया, दोस्तों से पूछवाया तो अभी नहीं बताया, छिपाता रहा, अब भले छोटी गलती हो उसकी, छोटी सी सिगरेट पीने की, 1000 का नुकसान तो बड़ो है समझ लो, एक सिगरेट पीने की, अब सही बताओ तुम्हें, जब जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा तुम्हें दोनों को बाप बेटे को, उस दिन क्या होगा आपका, कितना गुस्सा आएगा, सोचो बेटा गलती हो गई कोई बात नहीं, कह तो देते कम से कम, आज के बाद तुम्हारा भरोसा नहीं कर पाएंगे, तुम कल आज सिगरेट पी रहे हो, कल दारू पियोगे, फिर फला करोगे, फिर वो करोगे, फिर सब व्यसन करोगे, इसके मतलब तुम छिपाने में नंबर वन हो, तुम 1 महीने से लगातार पूछने पर भी छिपा रहे हो, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, कितना परिणाम गिरेंगे सोचो जरा, और सरल दृष्टांत दे रहे जिसमें 2 पैसा को भी नुकसान नहीं, जहाँ मैं तो सिगरेट भी पी, और खतरनाक, आजकल सबसे ज्यादा झगड़ा हो रहे हैं, पत्नी अपने मोबाइल में कोड नंबर बंद कर देती, क्या कहलाती है तुम्हें, बंद कर पासवर्ड, अब वो पासवर्ड शेयर नहीं कर रही पति से, नहीं नंबर का है बता देते, नहीं बताओ कब तो झगड़ा हुई है, कितना तो टेंशन हुई है, तो है कहा जा हमें आखिर, हमें ऐसे है कहा जो तू मेरे से भी बढ़ के है कि मुझे नहीं बता सकती, चैटिंग हो पता लग जाए और फिर उसे पूछो मना कर दे, फोटो हो वीडियो हो कुछ हो मना कर दे, छिपाए एक दिन हिस्ट्री देगी, ओ सही बताना क्या होगा, सोचो छिपाना, अब तो समझ गए कितना बड़ा अपराध है,
अंजन चोर ने छिपाया नहीं था इसलिए मोक्ष चला गया उसी भाव से। हम छोटे मोटे पाप, छोटा सा भी पाप, छोटा सा कह रहा हूं, सबसे छोटा, कुछ कहना है मुझे जरा ध्यान से, सबसे छोटा पाप, सबसे छोटा, बिल्कुल ही छोटा, जो दुनिया तो उसे कहेगी नहीं कि पाप भी है, इतना छोटा पाप भी तू छिपाता है तो अनंतानुबंधी भी कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? लॉजिक से समझाना पड़ेगा। इसलिए हो जाता है कि तुझे अपना कर्तृत्व वहां से धो रहा है, जिसका तू करता होगा उसे तू जरूर छिपाएगा, जिसका कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा, स्वामी बनेगा, उसे तू जरूर छिपाएगा। सरल दृष्टान दे दे रहे, बहुत सरल दृष्टान। तुम्हारे हाथ में कांच का गिलास है और फूट गया, यदि तुम्हारे हाथ जानबूझ के नहीं फोड़ा तो करता तो नहीं आ रहा, पापा झटके, पापा ही वो क्या होता है, ऐसा ऐसा था, ऐसा हुआ, तेल की मालिश कर रहे थे, वो एकदम गर्म का तो गिलास, कांच को गिलास और चिकनो, बरसात हो रही तो स्लिप होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया बस, कोई बात। अब सोचो इसी गिलास को जानबूझ के तो गिराया नहीं था, और करता तो ले ले वो, अब भाई पाप हमारे सबू साफ, पापा मारे, पापा मारे, बताइयो नहीं, बताइयो नहीं, बताइयो नहीं। अब तुम ब्लैकमेल कर सकते, तुम्हारा भैया बता देंगे, हाँ एक दिन तुमने जबकि कुछ दम ही नहीं थी उसमें, लेकिन छिपाने के भाव से कोई भी ब्लैकमेल कर देगा, तुम डरते रहोगे और आखिरकार एक न एक दिन तो पापा को पता लगेगा। उन्होंने कहा अच्छा तुम झूठ भी बोलने लगी, छलकपट भी करने लगी हमसे ही, उसकी जगह दूसरा गिलास ला के रख दिया, ये बहाने मारते रहे, वो किसी ने फोड़ दिया, हमें नहीं पता, भगवान कसम इनने धक्का दो, तुम इतनी बातें क्यों करे, सीधा बोलो ना। इतनी सुंदर सही मोक्ष मार्ग, इतना सरल है, इतना सरल है जिसकी हद नहीं। अब तो समझ गए, छोटा सा भी परिणाम, मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूं इसी का मुझे कर्तृत्व आ जाए तो अनंतानुबंधी, अब जहां तो का पाप नहीं है। बोलो पूजा पाठ का परिणाम मुझे इसी का कर्तृत्व वजह है, हम पूजा से बड़े, हम क्रियाओं से बड़े, तुम क्या समझो, जी जी मिथ्यात्म कन्वर्ट हो गए, दूर मत जाओ। द्रवलिंगी मुनिराज कितना सुंदर आचरण करते हैं, नवे गिरव्यक तक चले जाते हैं, लेकिन मात्र कर्तृत्व के परिणाम से, भोक्तृत्व के परिणाम से, स्वामित्व के परिणाम से, क्या कह दें, क्या बोलें, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, गिरव्यक से आके कहाँ चले जाएंगे, ये केंद्रीय आदि में फिर चले जाएंगे। पहले नंबर समझ लो, मैं पर्याय मात्र का करता हूं, पर्याय मात्र का, ये बहुत बड़ी शिक्षा है, पर्याय मात्र का करता हूं। जरा अच्छी अच्छी भाषा में समझो, एक दिन पढ़ाया था भिन्न और अन्य, याद है भिन्न और अन्य, ये देह का परिणाम को तुम अपना परिणाम क्यों मान रहे, ये तो भिन्न है। क्या कहा, देह के परिणाम को, खाना पीना उठना बैठना, तुम छिपा खा भी रहे थे तो अन्य, इसमें तुम्हारी कुछ है ही नहीं, कुछ लेना ही देना नहीं तुम्हारा इसमें, सही बता ना। पर में भी ममत के कारण हम पर तक को छिपा जाते हैं, लेना ही देना नहीं है जिसमें, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। दृष्टांत दे, अब तुम्हारे शरीर से भी गलती नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे बेटा से या तुम्हारी पत्नी से भाई, तो समाज के सामने भाई भी छिपा फिरेगी, नहीं नहीं ऐसे कैसे बता दें अपने बेटे की गलती, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा कितना बड़ा संसार खड़ा हो गया। कि देखो भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पास 17 के लोग आते हैं, एक व्यक्ति ऐसा आया था दुबई से, जैन था, और उसने बैंक में नौकरी थी उसकी, और बैंक की नौकरी में उसने घपला किया, भारत की नौकरी, भारत में नौकरी, वो तो रहने लगा था दुबई, भारत में इलाज कराने आए थे वहाँ, समझ गए वही अपने जहाँ गए थे ना, गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद उधर आया था। अब वो तो उसने मेरे से पूछा शांति का कोई मंत्र हो तो दे दो, हम की शांति को मंत्र, तुम्हें अशांति का है पहले ये बताओ, भाई भाई को तो मंत्र देंगे, कोई ऐसा तो है नहीं ओम रीम सठ सठ का, हाँ ऐसा नहीं, तुम बता दो ना का शांति तुम्हें,
भाई तुम रिटायर्ड आदमी हो, करोड़पति आदमी हो, सब पैसे मैसे ठीक है, मोड़ा मोड़ी ठीक है, सबके ब्याह हो गए, तुम्हें कोई टेंशन तो होने नहीं चाहिए, सब निपट गया। फिर उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे बैंक के हमने ऐसे ऐसे किया था, तो उस पर हमारा मुकदमा चल रहा है, सस्पेंड हुए जब क्या क्या हुआ जो बच मुकदमा चल रहा है। वकील तो ये कह रहा है कि तुम अब बचे कितने साल के हो, बीमारियाँ लगते ही जा रही तुम्हें, सो निपट जाओगे, मुकदमा में तारीखें बढ़ती रहेंगी, तुम ऐसे ही बच जाओगे। तो हमारा वकील तो जो कह रहा है, फिर भी हमें अंदर हमें फिर भी एक घुटन सी लगती है कि हम दुखी हैं। होती है, तो देखो जो अपराध करेगा भले तुम जेल जाने से बच भी जाओ तो यहाँ की पीड़ा से नहीं बच पाओगे। तो मैंने जो कहा वो समझने बाद भी, जबकि उन्होंने दूसरे पंडितों ने, विद्वानों ने, त्यागियों ने, मुनियों ने खूब मंत्र दे रखे थे, उनने मुझे बताए, उनने तो हमें मंत्र दिया शांति का। मैं देखो सर, हम तो तुम्हें ठग नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते, सच्ची बात तो ये है कि तुम आज ही चले जाओ, समर्पण कर दो और बता दो मैंने इतना किया है, ये पैसा वापस ले लो और इसके बाद जो सजा हो सो दे दो, तो सबसे मिनिमम सजा में निपट जाओ, और नहीं तो जन्मांतर लग जाएंगे, जन्मांतर, वो सजा बहुत महंगी पड़ेगी, तुम नरक और त्रिरंज में जहाँ जाओगे वहाँ इतनी तकलीफ होगी हम बता नहीं सकते। मैंने तो ये कहा, ये है हमारा शांति का मंत्र, ज्यादा पैसे वाले टेंशन में आ जाते हैं, ज्यादा पैसे वाले, मेरे से एक जन ने कहा, मैं खतौली गया था प्रवचन करने, उस समय की बात है 30-32 साल पहले, तो जिनके यहाँ ठहरे थे वे बोले कोई शांति मंत्र दे दे समझ गया हो, लंबी नहीं कह रहा हूँ, तो मैंने कहा शांति मंत्र बता दूं, परम शांति आई परम शांति बोलो, मैं तू 5 पाप को छोटा कर दे शांति आ जाएगी। वो मालूम क्या बोला, वो ही तो छोटो नहीं करने हैं, 5 पाप करे लॉन्ग कट, ऐसा तो पोवा वाई करा ही नहीं, तू जहर खाए हो, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे तू जहर के फल से बच जाए, तू रेल के ऊपर से गिर पड़े, ब्रिज के ऊपर से कूद जाए, ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है, हाथ पैर ना टूटे नहीं भैया इसकी आशा हमसे मत करो, हम तो यही कहेंगे 5 पाप घटाओ। आज हमारे जीवन में जो भी शांति दिख रही है वो 5 पाप की मिनिमम होने से हो रही है, और कछु से नहीं हो रही। तुम सोच रहे होगे कि मैं आत्मा का कुछ ऐसा वैसा, वो वहां से नहीं हो रहे, मूल में शांति इससे आ रही है। और 5 पाप छोड़ने का प्राण है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान बनने लायक, ये मूल प्राण हो गया। पॉइंट समझ में आ गया कुछ? तो शास्त्र पढ़ करके ऐसा कोई उपाय खोजने की कोशिश मत करो कि 5 पाप छोड़े बिना सुखी हो जाए। कुछ क्या मैं जानबूझ के भजन देगा, 5 पाप छोड़े बिना सुखी होने की विद्या सीखने की कोशिश मत करो। क्यों दृष्टांत दे रहे, अब हम और क्या करें, समझा सके दृष्टांत दे देंगे, जरा ध्यान से सुनना। क्यों ऐसा हो सकता है कि अपन पहली कक्षा में पढ़े रहा और खुश होते रहो, काय सरल पेपर आज पहली को चौथी को और कठिन हो जाए, छोड़ो 8वीं को और कठिन हो जाए, और फिर MBBS बाप रे हमारा दिमाग खराब, हम तो पहली में अच्छे। ये बात क्या, अगर मुझे कुछ कहना है, कई लोग ऐसा कहते हैं हम तो पहले गुणस्थान में हैं, हमें तो सब पाप पहला हुए हैं, सब पाप पहला हुए हैं, पहले गुणस्थान कौन से पाप छुड़ाए जाते हैं, कोई से नहीं, ये तो 5वीं से छुड़ाए जाते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे क्या समझ में आया तर्क, शास्त्र पढ़ के ये तर्क, हम तो पहले गुणस्थान में हैं हम काफी चौथे 5वीं में जाएंगे, हमें तो मजा आ रहा है, बस पाप करते रहेंगे। अरे प्रभु पहली क्लास में कब तक रहोगे तुम, आगे बढ़ो, लेकिन ये पाप करना चाहता ना इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस थोड़े में समझ लेना बहुत, तो देव धर्म शास्त्र नहीं कह रहा हूं, शास्त्र से भटक सकते हो लेकिन धर्म से नहीं भटक सकते, एक अंतिम इसका पॉइंट और क्या कहा, शास्त्र पढ़ के भटक सकते हो लेकिन धर्म तो उसी को कहते हैं, बोलो भाई धर्म के नाम रत्नत्रय धर्म, अब भटक के बताओ, जिनके पास रत्नत्रय है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए बताओ कैसे भटकोगे, बोलो। अहिंसा परमो धर्म लगाते जाओ सब, अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा कैसे करोगे, वो जो हिंसा ही नहीं करेगा वो झूठ क्यों बोलेगा,
चोरी क्यों करेगा, कुशील क्यों करेगा? सत्य बोलने वाला कुशील नहीं कर पाएगा, पता है? नहीं समझ में कैसे? उसे कहना पड़ेगा ना, आज मैंने मोबाइल में गंदी चीज देखी, वो सत्य बोलना है। कहानी सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज, ये हिंसा हिंसा हम नहीं छोड़ सकते, झूठ छोड़ने में कछु नहीं डालो, जो हम कर सकते, चोरी नहीं छोड़ सकते हम। एक कहानी है छपी है बाकायदा, तो झूठ बोलने में कदर, पर सच्ची बोल देंगे। जब मैंने हिंग लगे ना फिट करी हिंसा करवे की छूट है, मैंने उसने बोला मैं हिंसा नहीं छोड़ूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा, कुशील नहीं छोड़ूंगा, और परिगय भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन झूठ छोड़ सकती हूँ, हमें तो कछु लगते ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, ओके डन। अब परेशानी आई, ये डकैती करने गया राजमहल में, और दरबार ने जिसे चेक कर रहा था, चेक रूप बदल के गए थे, कौन हो? चोर। कहाँ गए थे? बेस्ट सेवन के लिए। अब ये कि एक बोलने में तकलीफ हो रही, बेटा ने पूछा पापा कहाँ गए थे? अब कहाँ बोले, वो बेस्ट सेवन के लिए गया था, कि परिस्थिति सेवन के लिए गया था, कि शिकार करने गया था, कि चोरी करने गया था। अब मुश्किल पड़ गई, लिखा है कहानी में एक झूठ छोड़ते से ही उसके पांचों पाप छूट गए। अरे अहिंसा, अहिंसा धर्म है, ऐसा धर्म है जिसके बाद पांच पाप नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली हमने ऐसी ऐसी गुत्थी बना रखी है, हाँ वो हम पानी छान के पीते हैं, या अहिंसा इतनी नहीं है, इधर से होगी अहिंसा से। अहिंसा एक धर्म है, क्रिया नहीं। जल्दी बोल गए कछु, क्या बोला? अहिंसा धर्म है, क्रिया नहीं है। और तुमने क्या मान लिया, हम रात को नहीं खाते तो अहिंसा पल गई, ऐसा नहीं करते अनछना पानी तो आया नहीं। अहिंसा तो बहुत बड़ा है, अहिंसा परमो, सही बात बताएं। इसकी व्याख्या यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नहीं होती तो हम जिंदगी में इसका मतलब नहीं समझते, तो लिखते ही रहते अहिंसा परमो धर्म, लिखते ही रहते। अहिंसा परमो धर्म इसलिए है कि जिसके जीवन में अहिंसा है उसके जीवन में पांच पाप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? चोरी करेगा किसी का दिल दुखेगा तो हिंसा होगी, झूठ बोलेगा तो किसी का दिल दुखेगा, हिंसा होगी। मांगी लगा लेने तो किसी का परिगय ज्यादा लेगे, लूटोगे करोगे तो हिंसा होगी। जैसे हिंसा नहीं हुई चार पाप तो अपने आप आई भाग गए। अब समझ में आया पूरे विश्व में अहिंसा परमो धर्म क्यों है? और सूक्ष्मता से पढ़ोगे डॉक्टर साहब का लेक्चर, और शुभ भाव भी शुभ भाव भी थोड़ा बहुत पास ले जाए जल्दी से, बाकी तो समझदार हो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे। मैं आत्मा हूं ये परिणाम भी हिंसा दिखाई दे रही है, केवल आत्मा में मग्नता ही अहिंसा है। क्या बोला? आत्मा में महावीर भगवान की पूजा में क्या लिखा? परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। परम अहिंसक, परम अहिंसक क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा में मग्न हो गए। ठीक समझ में आ गए भैया? अहिंसक, परम अहिंसक क्यों हो गए? आत्मा में, मैं आत्मा हूं ये विकल्प भी हमें हिंसा दिखती है, पूजा पाठ के भाव हमें हिंसा दिखते हैं। क्या कह जी? तो हम चाह रहे थे जय कह दो पंडित जी, हम पूजा नहीं कर रहे, और जी जब हम शास्त्र भरवा भी स्वाध्याय के फार्म भरवा रहे, हिंसा के फार्म भरवा रहे कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा जबरदस्ती गलो पकड़ रख, हम 10 दिन सुनिए आए जी बहुत है इतना, अब जी रोजाना के लाज पकड़ रहे घरों दबा दबा के फार्म भरवा रहे मंदिर में सबके सामने ताकि प्रतिज्ञा ना टूटे, ये भगवान। तो भैया देखो जिन्हें करुणा आती ना करुणा, वे तो गलों मसक के भी दवाई पिया। देखा कभी बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे दवाई नहीं पीते कड़वी वाली, और पिलाओ जरूरी है, लीवर की किडनी की जगह छुपी बीमारी हो, कीड़ा मीड़ा पड़ जाता पेट में, वो कड़वी दवाई होती कीड़न की, मीठी नहीं होती। तो भाई अब बच्चा तो पहले से ही पूर्वानुमान कर लेता मती ध्यान से इतना सा बच्चा बिल्कुल बस चले तो ले वो कहा करे
दोनों पैर चपाए बीच में अम्मा ने, और दोनों हाथ पकड़ी ऐसे और नाक दबा के, और जिन्हें करुणा आती हुई तो क्या करें, उन्होंने तो ऐसे ही करा। प्रभु तुझे अपना हित करना हो तो स्वाध्याय कर, तब समझ में आएगी कि स्वाध्याय करना भी हिंसा है। रुक जा रुक जा, इतनी जल्दी मत करो। अध्ययन करना हिंसा है और स्वाध्याय परम अहिंसा है। क्या कह गई? अध्ययन करना हिंसा है और स्वाध्याय करना अहिंसा है। क्यों? वो स्वाध्याय 24 घंटे होती है और अध्ययन एक आध घंटा कर सकते हो, 4 घंटा कर सकते हो, नहीं कर सकते, और स्वाध्याय 24 घंटे होती है। हे उपाधि का विचार चलना, हे का त्यागना, उपाधि का ग्रहण करना, हे की श्रद्धा छोड़ना, उपाधि की श्रद्धा करना, ये 24 घंटे की स्वाध्याय है। इसलिए नियम सार जी में बड़े सुंदर प्रकरण है, बड़े सुंदर प्रकरण। हाँ, दिगम्बर मुनिराज ग्रंथ रखते नहीं है इसीलिए निर्ग्रंथ है। एक अर्थ ये भी है, बाकी वो भी है परिग्रह रहित है ना। परिग्रह में ग्रंथ भी है, परिग्रह में ग्रंथ भी है, इसलिए अपने साथ नहीं रखते। जितना प्रयोजनभूत ग्रंथ होते हैं पढ़ लेते हैं, फिर वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन हमें दूसरी बात कहना है, दिगम्बर मुनिराज को जी बताओ, जब ग्रंथ नहीं थे छपे हुए लिखे हुए, पोथियाँ भी नहीं थी, हस्त नहीं थी, ताड़पत्र, फिर जिनागम में लिखा है रात को 3 बजे स्वाध्याय करती लिखा है। दिगम्बर मुनिराज रात्रि में 3 बजे स्वाध्याय करती, तो कैसे करते हैं? हमने स्वाध्याय और अध्ययन का अंतर नहीं समझा। अध्ययन नहीं लिखा डॉक्टर साहब, स्वाध्याय करते हैं, 3 बार स्वाध्याय करते हैं, और पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है। अच्छी भाषा में बोल दो, तुम्हारी सरल भाषा में, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही स्वाध्याय। आखिर ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्रिया क्यों हो रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हे और उपाधि का निर्णय करते चले जाना, ये स्वाध्याय। क्या कहा? स्वाध्याय। थोड़ा आगे बढ़ो, स्वाध्याय का एक 5वां भेद है धर्मोपदेश। स्वाध्याय का वाचना, पूछना, फिर अनुप्रेक्षा, आमनाय, और फिर और धर्मोपदेश। तो सारे मुनिराज धर्मोपदेश नहीं देते बाहर में, और सारे मुनिराज धर्मोपदेश देते, सारे सम्यक दृष्टि धर्मोपदेश देते हैं, और सब प्रवचन नहीं कर पाए। और बताओ धर्मोपदेश कैसे कर रहे होंगे, ये बता दो बस। सारे मुनिराज सारे सम्यक दृष्टि प्रवचन नहीं कर सकते, सारे सारे सम्यक दृष्टि प्रवचन करेंगे तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन धर्मोपदेश सब करते हैं। अब तो अंतर समझ में आ रहा है कुछ? ओहो, अध्ययन अलग चीज है और स्वाध्याय। जो अध्ययन को कल्याण का कारण मानते हैं वे भटक जाते हैं, और स्वाध्याय करने वाला पतित नहीं होता, स्वाध्याय करने वाला भ्रष्ट नहीं होता, स्वाध्याय करने वाला अहिंसक होता है, और स्वाध्याय सदाकाल होती है। यह है देव धर्म और गुरु की श्रद्धा। देव धर्म गुरु श्रद्धा करके कैसे? अगले पद में लिख दिया, वेद विज्ञान चित्त में धर के। देव धर्म गुरु की श्रद्धा कैसे करें? कि वेद विज्ञान चित्त में धर के। जो श्रद्धा करने का तरीका है, तुम वेद विज्ञान नहीं करते तो तुम कुछ नहीं करते। अरे मैं गुरुदेव का श्रद्धालु हूं, झूठ बोलते हो। तुम गुरुदेव की वाणी के श्रद्धालु हो, देव सास गुरु के श्रद्धालु नहीं हो। वेद विज्ञान करे बिना गुरु के श्रद्धालु नहीं हो सकते। कुल अपेक्षा देखा देखी, वो वैसे जैन की बात नहीं चल रही थी, जिसके जीवन में पाप नहीं होते। पाप नहीं होते माने, अब फिर 100% मत लगाना, क्या तो फुल स्टॉप क्या नॉन स्टॉप। हमारी बढ़िया आवाज है। क्यों तुम पाप करते हो राजकुमार? नहीं, अब जी कह रहे करते हैं तो हम कह नहीं नहीं करते। हम कह रहे नहीं करते, क्यों? क्यों फुल स्टॉप नहीं कर सकते आप पाप होगा। जिस गुणस्थान में खड़े हो वहाँ पर कुछ पाप छोड़े हैं आपने, चौथे गुणस्थान में कुछ पाप छूटेंगे, पाँचवें गुणस्थान में कुछ पाप छूटेंगे, सारे पाप नहीं छूटेंगे। अब तुम पूरे पाप छोड़ना चाहते हो इसलिए कह देते हो हमें पाप करें।
इनमें से कोई पापी नहीं है, हैं? और सब पापी सियाद बात है। चौथे गुण स्थान में निष्पाप भी कहती हैं और पापी भी कहती हैं, पंचम गुण स्थान में पाप भी है और निष्पाप भी है, विवक्षाएं हैं सारी। एक्चुअली हम 100% को पाप छोड़ें तब समझते हैं पाप छूटा, और हम कह रहे हैं इतना से छूट गया तो पाप छूट गया। 100% पाप कोई नहीं कर सकता इनमें से, कोई नहीं कर सकता। सही बताऊं मैं आपको क्या कहूं, इच्छा तो हो रही तो कह ही देता हूं। आज तो रविवार भी है और तुम आई गए इतने सब, पूरी बात सुन लो, बड़ी बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल सुनना काम की बात। यदि तुम पंचम गुण स्थान भरती हो तो जैसे बैठे हो इसी में तुम अणुवृत्ति हो। अभी अभी दुख असा चौकड़ी का भाव हो जाए अंतर में तो तुम्हारी सारों का जीवन पंचम गुण स्थान के अनुकूल है, दुख असा चौकड़ी वाला यदि हो तो। क्यों? हमारा कल्चर ही अणुव्रतों का है। हमारे घर में जो माता पिता ने संस्कार दिए वो अणुव्रतों के संस्कार दिए। आप ओबामा जैसा झूठ नहीं बोलते, ओबामा जैसी हिंसा नहीं करते, ओबामा जैसा कुशील नहीं करते, माने जो नहीं करते हैं आप। ओबामा नहीं नाम है, ए ओबामा कह रहे हैं, ओसामा ओसामा ओबामा गलत कह गए हम बताओ गलत हुए तो झूठ बोला थे, ये बात सही है, लेकिन ऐसी झूठ नहीं बोला कि जिसमें आग लग जाए, परिवार उजड़ जाए, देश उजड़ जाए, समाज में फूट पड़ जाए, ऐसे नहीं बोलते। बोलत तो है, तो इसी का ही नाम तो है अणुव्रत, लिखा है इसी का ही नाम अणुव्रत है। ऐसा झूठ, ऐसी चोरी, ऐसी हिंसा आदि नहीं करना जिससे देश में विप्लव मच जाए। हाँ सत्य बोलते हो, अरे अणुव्रतों का जीवन है, मैं ये कह रहा हूँ। एक्चुअली हमें अणुव्रति का भी इतनी बड़ी तस्वीर है, बागेश्वर मंडो होत और एक दोपट्टा धारे दे दो अणुव्रति तो वो होत। और मैं अभी हमें सही बात है, पूरे हिंदुस्तान में झगड़ा हो जाए यदि हम ये कह दें कि जी भैया अणुव्रति है, ये तो टी शर्ट पहने और वो पहने जींस। मैंने दिमाग में यहाँ से खचे था वो धोई दुपट्टा पहनो जरूरी है, और हम कह दें कोट टाई वालो आदमी पंचम गुण स्थान भरती है तो बिल्कुल उदम बच जाए। अबे तुमसे कह दें एक भैंस खड़ी है वो सम्यक दृष्टि है, यहाँ से कारण लगा होगी सम्यक दृष्टि कैसे हुई। हाँ जिनवाणी में लिखी असंख्यात सम्यक दृष्टि है, असंख्यात अणुव्रति है, त्रियंच में, त्रियंच में असंख्यात हैं। और तुम हम आपको पता नहीं है, आपको नेचुरली जो संस्कार दिए गए वो 5 अणुव्रतों के। आप बहुत झूठ नहीं बोल पाते, चोरी नहीं, उल्टा नहीं लेना, नहीं कर पाते आप, सही में नहीं कर पाते आप, तो थोड़ी ताकत आ रही होगी ना, ये अपन तो अच्छे हैं, तो हम यही तो कह रहे तुम खराब नहीं हो तुम्हारे संस्कार इतने हैं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं है तुम में ताकत इतनी। लेकिन बस इतनी सी गलती है कि आचरण तो सीखा हमने माता पिता से, लोक व्यवहार से, लेकिन दो कसर चौकड़ी का अभाव नहीं होने से वो अणुव्रत नाम नहीं पाती। एक बात, दूसरी बात और बता दे रहे, अब हम उल्टी बात कर रहे, तुम में से कोई अणुव्रति नहीं है। काहे नहीं है? ग्रंथों में इतनी अच्छी बात लिखी है, प्रवचन सुन करके भी, शास्त्र पढ़ करके भी कोई व्यक्ति पानी छान करके पीता है तो अहिंसा अणुव्रत नहीं है, चोरी नहीं करता फिर भी अचोरी अणुव्रत नहीं है। का कहीं हमें समझ में आएगा जी? शास्त्र पढ़ करके भी, प्रवचन सुन करके भी सुधर गया वो, मैंने अच्छे काम करने लगा तो अभी अणुव्रति नहीं है। क्यों? क्रिया सुधारने से अणुव्रति नहीं होती, संपूर्ण के त्याग के लक्ष्य से थोड़ा सा त्याग का नाम अणुव्रत। अब आ जाओ मैदान में, फिर से बोल रहे कह गए, संपूर्ण त्याग के लक्ष्य से, सकल संयम के लक्ष्य से थोड़ा थोड़ा त्याग करने का नाम अणुव्रत। अब थोड़े घूम गए ना, परेशान हुए हम, फिर तुम्हारी परेशानी दूर करें। बोलो भाई राजकुमार, तुमने हमें 1 करोड़ रुपये उधार दे, दृष्टांत हो 1 करोड़ उधार दो, हम भूल ही गए। फिर तुम आए बार में, भैया पैसा तो दियो, 1 करोड़ दे हमने तुम्हें, तुमने कौन सी, तो तुम पे कितना वज्रपात हुई है, कितना वज्रपात होगा, खाएगी पंडित जी, खाएगी ब्रह्मचारी, खाऊगा 1 करोड़ खा गए, नाना प्रकार के विकल्प आएंगे भयंकर। फिर तुम नहीं माने तो फिर आ गए तुम, हम तो मैंने कर ही चुके थे, तुमने याद दिलाई,
फिर हम कहते देखो तुम ज्यादा बातें मत करो, 1 लाख पढ़े जी ले जा, हमारा अनुव्रत होगा। मंजूर है? बोलो। कि तुम 1 लाख छोड़ो चाहे 50 लाख दो, हम तो नहीं मानेंगे ये बात, हम नहीं मानेंगे। यही तो कहोगे, हम नहीं मानेंगे। पहले तो तुम जब स्वीकार करोगे 1 करोड़ लाए कि नहीं, और चुकावे की नियत है कि नहीं, पॉइंट पकड़ते जाना। पहले स्वीकार करो 1 करोड़ लाए और चुकावे की नियत है, यहाँ पैसा तुम पे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम 1 रुपया रोज दो, 10 रुपया रोज दो, हो जाए। अब देते देते भी हम बीच में मर गए, पैसा नहीं चुका पाए, तो अभी तुम ये नहीं कहोगे वो बेईमान थे, यही तो कहोगे 10 रुपये रोज दे रहे थे और 1 दिन भी नागा नहीं किया, 10 रुपये रोज दे रहे थे, तो ये मरे गए तो कोई क्या कर सके। पॉइंट पकड़ में आए? आप हमको गलत नहीं समझ रहे। उस दिन हम 1 लाख दे रहे थे, 10 लाख दे रहे थे, तो भी गलत समझ रहे थे, क्योंकि तुम पूरा नहीं चुकाना चाह रहे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? पूरा नहीं चुकाना चाह रहे थे तो 10 लाख दे करके भी हम बदनाम हो रहे थे, और आज 10-10 रुपये दे करके भी तुम्हें ये लगा कि नहीं भैया बचन के प्रमाणिक व्यक्ति थे, मर गए अलग बात है, लेकिन 10 रुपये रोज दे रहे थे। अब तो समझ में आ गया आपको अनुव्रत किसे कहते हैं? विश्व के संपूर्ण पाप ही छोड़ने लायक हैं, पूरे नहीं छोड़ पा रहे थे, इतना इतना सा छोड़ रहे, अब अनुव्रत होगा। ठीक, क्रिया सुधारने का नाम इसलिए अनुव्रत नहीं है। अब स्वाध्याय के द्वारा, तत्व निर्णय के द्वारा अंदर में कसाई चौकड़ी मिटी और आपने स्वीकार किया कि मेरे आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ वो सब छोड़ देने लायक है। ठीक है, थोड़ा 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 छोड़ रहे, कोई बात नहीं। अब तो अनुव्रत का मतलब समझ में आया? ठीक है, हो गया आपका समय, खूब विचार करना, देव सार गुरु की श्रद्धा वेद विज्ञान से होगी। बाकी एक छंद हो रहा, कल अपन चर्चा करेंगे उसकी, और नहीं तो अब सरल छंद है, और सरल सब है, कछु नहीं है सरल, योग जितना होगा कल बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ।